दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना न कि सिर्फ काफी समय लेता है बल्कि इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगती है। ऐसे में भारत ने ये बात पहले ही चिन्हित कर ली थी कि अगर हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो विश्व में उन देशों के साथ पार्टनरशिप जरूरी है जो पहले से इन टेक्नोलॉजी में महारत रखते हैं। यही वजह है कि भारत आज अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई देशों के साथ मिलकर डिफेंस पार्टनरशिप पर काम कर रहा है ताकि हमें इन देशों की तरफ से वह जरूरी टेक्नोलॉजी मिल सके जो हम अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। और ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भारत साउथ कोरिया के साथ हाथ मिला चुका है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर के तहत हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए एक काफी बड़े कदम के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत साल 2030 तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को हासिल करने के लिए भारत अपनी कैपेसिटी को 300% तक बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, जो न कि सिर्फ क्रूड ऑयल पर हमारी निर्भरता कम करेगा बल्कि क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी परेशानियों से निपटने में भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब साउथ कोरिया की एक नेशनल एजेंसी के साथ मिलकर अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर प्लेट को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम हमारे टैंक की प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एम्यूनेशन अब काफी ज्यादा एडवांस और ज्यादा मोटे आर्मर को पार करने में भी सक्षम हो चुके हैं, उसी तरह से हमें हमारे टैंक की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए और ज्यादा शक्तिशाली आर्मर प्लेट्स की जरूरत है ताकि युद्ध क्षेत्र में हमारे टैंक इफेक्टिव बने रह सके, जिसे डेवलप करने में साउथ कोरिया हमारा एक काफी महत्वपूर्ण पार्टनर साबित होगा। दोस्तों, साउथ कोरिया की डिफेंस इंडस्ट्री आज अपने आप में ही एक विश्व स्तरीय इंडस्ट्री है, जिसके द्वारा बनाए जाने वाले मैक्सिमम प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के होते हैं और इनके स्टैंडर्ड भी दुनिया से काफी ज्यादा एडवांस हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे साउथ कोरिया के डिफेंस सेफ्टी रिकॉर्ड अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के मुकाबले भी ज्यादा अच्छे हैं। यही वजह है कि भारत अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर प्लेट जैसी महत्वपूर्ण और बेसिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए साउथ कोरिया के साथ हाथ मिला चुका है, जो कि भारत का एक काफी अच्छा कदम माना जा रहा है। यहां तक कि कई विशेषज्ञ भी भारत के जॉइंट रिसर्च पार्टनरशिप मॉडल की काफी सराहना कर रहे हैं। इसी के साथ भारत साउथ कोरिया के साथ मिलकर हाई हार्डनेस स्टील को डेवलप करने के लिए भी काम कर रहा है, जिसका इस्तेमाल अभी चिन्हित तो नहीं किया गया है लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि हम इस ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत स्टील का इस्तेमाल अपने नेक्स्ट जनरेशन रक्षा उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे, जैसे कि आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, वारशिप और सबमरीन्स, क्योंकि हाई हार्डनेस स्टील नॉर्मल मिलिट्री ग्रेड स्टील के मुकाबले भी काफी ज्यादा मजबूत होगा, जो हमारे हथियारों की मजबूती को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत साल 2030 तक अपने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को स्थापित करने के लिए अब एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि अगर हमने अपने प्रोजेक्ट के ऑक्शन में तेजी नहीं लाई तो हो सकता है कि हम ये टारगेट मिस कर जाएं, और भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि साल 2030 तक हमारा टारगेट साल 2070 के कार्बन न्यूट्रल टारगेट के लिए काफी जरूरी है। इसीलिए भारत अब इस पूरी परियोजना में काफी तेजी लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत भारत ने अब ये फैसला किया है कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एलोकेशन की रफ्तार को 300% से भी ज्यादा कर देंगे, यानी 3 गुना से भी ज्यादा तेज कर देंगे, जिसके तहत टाइमलाइन के अनुसार हमारा सबसे पहला टारगेट तो ये होगा कि अगले साल यानी मार्च 2024 तक भारत 50 गीगावाट की क्षमता वाले सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करे, जो साल 2030 तक हमारे टोटल एनर्जी टारगेट का 10% होगा। इसी के साथ जब भारत अपनी इस टाइमलाइन को सफलतापूर्वक हासिल कर लेगा तब हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अपग्रेड करने के लिए और भी कड़े कदम उठाएंगे, जिसके तहत हम चरणबद्ध तरीके से विंड, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हुए साल 2030 तक अपनी टोटल कैपेसिटी को 500 गीगावाट या इससे ज्यादा तक लेकर जा सकेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत को सबसे ज्यादा सफल देश बना देगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत के इस कदम की सराहना न कि पूरी दुनिया कर रही है बल्कि इस कदम से हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर अपनी निर्भरता को दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके पूरा होने पर हम हर साल 100 से लेकर $200 बिलियन तक की सीधी बचत कर सकेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चाहे डिफेंस हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, भारत इन दोनों ही क्षेत्रों में काफी तेजी से काम कर रहा है और अपने टारगेट को हासिल करने के लिए हम पूरी तेजी के साथ नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि इससे ये बात साबित होती है कि आने वाले समय में ना कि सिर्फ डिफेंस के क्षेत्र में बल्कि एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा।
वाले हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।